हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज जो है हम अपनी थर्ड यूनिट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन अच्छे से कर चुके हैं। आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस के, राइट? तो आज जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो नाम से क्या पता चल रहा है, इट इज रिगार्डिंग विद द इलेक्ट्रो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं क्या करती है, रिलेट करती है। ठीक है, मतलब बच्चों केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक फील्ड में समा जाता है। ठीक है, हर एक फील्ड को अपना बना लेता है और उसको अपने फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करता है, जनरेट करने की कोशिश करता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करूं, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द रिलेशन बिटवीन which deals with the relation between, किसके बीच में रिलेशन होगा, अभी बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी एंड द मेथड ऑफ देयर इंटरकन्वर्जन्स, दैट इज हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग कर रही है। इससे पहले भी हम लोग सॉलिड स्टेट और क्या पढ़ चुके थे, सॉल्यूशन, वो भी क्या थी आपकी, फिजिकल केमिस्ट्री से ही बिलोंग करती थी। तो ये भी क्या है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, आपको पता ही, आपकी केमिस्ट्री के तीन पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। वैसे तो चार पांच होते हैं, एनालिटिकल होती है, कई होते हैं, मेनली हमें तीन करने होते हैं। ठीक है, डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि हाउ वी कैन, मेथड हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज बेसिकली ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मतलब इस यूनिट में क्या पढ़ना है, उस इंट्रोडक्शन पर बेस्ड ये बच्चे ये यूनिट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थ्रू आउट द यूनिट मुझे, हमें जो है वो कौन कौन से टॉपिक जो है वो स्टडी करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक सेल के बारे में विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें हम जो हमारी जो सेल्स आएंगी कैसी है, हमारी गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसको हम वॉल्टेक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल को। ठीक है, और साथ में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, गॉट इट? तो और इनके बीच में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो क्या होगा, नर्नस्ट इक्वेशन होगा। फर्स्ट टाइम आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा, कोई बात नहीं बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्नस्ट इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ के और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, नर्नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, और यहीं से हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल
एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है, ईएमएफ एंड द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी देखेंगे ऑफ द सेल. ये चीजें क्या है बच्चों, हम लोग इसमें देखेंगे नर्स इक्वेशन के अंदर. मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काफी. उसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक रिलेशनशिप देखेंगे. रिलेशनशिप किसके बीच में होगी, ये रिलेशनशिप होगी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी कि जो यहां पर आप जो ईएमएफ निकालोगे, ईएमएफ का रिलेशन निकालेंगे गिब्स फ्री एनर्जी से. ठीक है, तो मैं कह सकती हूं रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन. ठीक है, एंड इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आई थिंक. ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड ईएमएफ आप निकालना सीखेंगे उसकी रिलेशनशिप देखेंगे आप किसके साथ में, गिब्स एनर्जी के साथ में और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के साथ में. गॉट इट. उसके बाद में आप एक और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में. ठीक है, किसके ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस, क्योंकि आयनिक सॉल्यूशन के अंदर ही आप क्या देख सकते हो, कंडक्टिविटी देख सकते हो, रेजिस्टिविटी देख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी देख सकते हो. ठीक है, तो ये टॉपिक भी क्या होने वाला है बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. गॉट इट. उससे जो नेक्स्ट है वो हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिफरेंसेस देखने वाले हैं. ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन किसके, आयोनिक, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी. तो इनके बीच में आप क्या देखेंगे बच्चे, डिफरेंसेस देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी मोलर कंडक्टिविटी. देखो इनके साथ साथ क्या देखेंगे हम लोग, पहले तो इनकी कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे कि आपके जो ये कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है, उनकी कैलकुलेशन देखेंगे और क्या देखेंगे, इनकी कितनी ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी चेक करेंगे इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में और पढ़ेंगे फिर से, लेकिन किसमें, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा कर दिया जाए, उसको कैसा कर दिया जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, डाइल्यूट कर दिया जाए एट इनफाइनाइट लेवल पर, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है, वो चीज हम देखेंगे. उससे नेक्स्ट जो आता है वो आता है बच्चे कोलराशिस लॉ. ठीक है, क्या आता है, कोलराशिस लॉ. ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत ज्यादा ईजी है. ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन. जितना खतरनाक ये नाम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उतना ही आसान क्या है, ये लॉ है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, इम्पोर्टेंट भी है और उतना ही इजी है. ठीक है, उसके बाद में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस पर. ठीक है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शंस देखेंगे. कंस्ट्रक्शन किसके, ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स. गॉट इट. एंड द लास्ट वन इज कोरोजन के बारे में ये बताएगा दैट कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. तो बच्चों यही कुछ गिने चुने टॉपिक है जो हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे. एज विद अगर मैं आपको कहूं कि एज सच फॉर कंपटीशन एग्जाम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट.
ठीक है, तो ये गलत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी फर्दर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो है ही। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं छोटा सा दोबारा रिवीजन कराती हूँ आपको। इलेक्ट्रो सेल, आपको सेल्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें आप गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग नर्न्स इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि नर्न्स इक्वेशन क्या होती है और उसकी क्या एप्लीकेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल, मतलब आप लोगों ने रेडोक्स में प्लस वन में ईएमएफ निकालना सीखा था, तो उसका जो रिलेशन है, यानी कि जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल का जो आप ईएमएफ निकाल रहे हैं उसका रिलेशन निकालेंगे किसके साथ में, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ में और किसके साथ में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में, गॉट इट। उससे जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। देखो आप सेल्स के बारे में पढ़ रहे हो जहां इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी होने वाली है, ठीक है, और आपका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, आयनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आयनिक सॉल्यूशन है, आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है बच्चे कंडक्टिविटी भी होगी, रेजिस्टिविटी भी होगी, तो ये टॉपिक तो होना ही था इसके अंदर। ठीक है, साथ में हम डिफरेंसेस भी देखेंगे किसके बीच में, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक, आयनिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी के बीच में, गॉट इट। साथ साथ इनके मेथड, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो तो हम लोग सीखेंगे ही, साथ में मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट लेवल पर डाइल्यूट कर दिया जाए, यानी कि सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट उसके कंपेरिजन में ना के बराबर हो, तो मोलर कंडक्टिविटी पर क्या अफेक्ट आएगा। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे एक लॉ विच इज कोलाशेस लॉ, एंड उसके क्या पढ़ेंगे हम लोग, कुछ एप्लीकेशन भी है डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर देन हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, कंस्ट्रक्शन देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के बारे में, ओके, फिर देखेंगे कोरोजन। तो ये तो थे बच्चा टॉपिक, क्या किसके, हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे कि चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में इतना कुछ तो हम लोगों ने पढ़ा कि, लेकिन जिसका अगर मेन सिग्निफिकेंस की बात आती है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है मेन। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बच्चे मेन कंसर्न की बात करें तो ये क्या बताता है हमें, टू नो द प्रोसेस अकर्स एट इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मेन जो इसका कंसर्न रहता है वो किस पर रहता है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मेन यही रहता है बच्चे कि जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड तो होंगे, कैथोड एनोड है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या प्रोसेस हो रही है और जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ है, तो कहाँ नहीं है इसका सिग्निफिकेंस, तो वो चीज मेन है, ठीक है, वो देखने को के लिए कि कहाँ नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट हर फील्ड में जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम आती है, ठीक है। तो अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो काफी इम्पोर्टेंट टेक्निकल फील्ड में काम आता है, इम्पोर्टेंट टेक्निकल फील्ड में काम आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन और प्योरिफिकेशन, मेन देखिए प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन, किसकी प्योरिफिकेशन और प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ऑफ नॉन फेरस मेटल, फेरस का मतलब यहां आयरन की बात कर रहा है, आयरन को छोड़कर बाकी मेटल्स की प्रोडक्शन और उनकी प्योरिफिकेशन के बारे में ये बात कर रहा है, लाइक क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है आपके पास में, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है, और साथ साथ क्या करता है, इलेक्ट्रोसिंथेसिस भी करवाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड क्या हो सकता है, क्लोरीन हो गया आपके पास में, फ्लोरीन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बहुत सारे, ठीक है, और एनालिटिकल टेक्निक्स में भी बहुत ज्यादा काम आता है, कन्वीनियंट होता है फॉर एनालिटिक टेक्निकल्स विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल,
ठीक है, जो एनालिटिकल होती है, यानी कि जो आपके ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो गया, जहां पर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो ये कहता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि इन पर बेस्ड है, वहां पर इस ये क्या है उनकी स्टडी को बहुत ईजी बना देता है इलेक्ट्रोकेमिकल के प्रिंसिपल्स के, ठीक है। और अगर और कंट्रीब्यूशन की बात करूं इसकी, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरीज, यहां में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसकी इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इसकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरीज एंड सेल्स। इनके बिना तो आज के टाइम में हम अपनी लाइफ को कंसीडर ही नहीं कर सकते। लाइट चली गई, इन्वर्टर लगाना है, ठीक है। इन्वर्टर में भी तो क्या होती है, बैटरी होती है। वो बैटरी की कंस्ट्रक्शन कौन बताता है हम लोगों को, कौन बताता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है। टीवी चला रहे हैं आप, रिमोट से ऑन करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर रिमोट के सेल खत्म हो गए तो वो रिमोट काम नहीं करेगा, लेकिन वो जो उसके अंदर जो सेल होता है, जिसका बैटरी बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन आपको कौन बताता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताता है। गॉट इट। आप फोन चला रहे हो, आपके फोन के अंदर भी तो क्या होती है, बैटरीज होती है। उन बैटरीज की कंस्ट्रक्शन कौन बताता है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है। आप घड़ी पहनते हैं, घड़ी के अंदर भी तो सेल काम करते हैं, सेल अगर बंद हो जाएंगे तो घड़ी बंद हो जाएगी, राइट। आपकी जो वॉच है वो काम नहीं करेगी, तो उसके अंदर भी जो सेल्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कौन बताता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उनकी प्रोसेस के बारे में कौन एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है ये सब, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर मैं बायोलॉजिकल की बात करूं, बायोलॉजिकली भी क्या है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स पता है आप लोगों को, है ना, सेंसरी सिग्नल्स थ्रू द सेल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा काम आता है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, हमारी बॉडीज के अंदर भी, क्योंकि डिफरेंट क्या पड़े हुए हैं, मेटल्स होते हैं ना आपकी बॉडी में, पोटेशियम भी होता है, सोडियम भी होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, आयन रिलीज करेंगे आपकी बॉडी में, भी इस तरीके की रिएक्शन होती है, आपकी बॉडी में भी ये करंट दौड़ते हैं, ठीक है। कभी वो इतना ज्यादा नहीं, मतलब क्या होते हैं, इस तरीके की प्रोसेस होती है, सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, वो भी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं कहूं तो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, क्या कहेंगे, ओवरऑल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल टू अवर बॉडी, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो हमें एक्सप्लेन करता है इस चीज के बारे में। सो बच्चे क्या है, ये तो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल है इसका हमारी लाइफ में, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, और कौन कौन से टॉपिक है जो थ्रू आउट द यूनिट हमें पढ़ने हैं, वो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड, जिसमें हम सेल की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, क्या क्या मेथड होते हैं, वो सब चीजें क्या है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। गॉट इट। तो तब तक बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।